गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज अवर रिविजन 5. सो फर्स्ट वी विल डू द रिविजन इन बुक. यू नीड टू राइट द डेट हेयर फर्स्ट ऑफ ऑल. ओके, रिविजन 5. So, student, our topic of today's revision is rounding off numbers. As you can see, whenever you are unable to work out exact figure, we use estimation, which makes our work easier. And the answer that we obtain is not exact answer, but it is close to the exact answer. Okay. As I also told you class, that whenever the figure is big and someone asks us to suddenly the results, so that time we just tell them the round up figure. Okay, that is not exactly sum of that numbers, but that can be the round up of two numbers. Okay, so the rounding of number is a way to get an estimates of number. Fine. Estimates of number is called rounding off. Okay, let us have 48 candidates and 96 verbal. Then we can say that it is around 50 candies and 100 marbles. Okay, by estimation. Now for rounding off the numbers, we need to look at the digits on the right of the rounding place. Okay class, so as you can see here, when the number is below than 5, so we will move to downside at left side. Okay, and when the number is above than 5, then we will move right side. Fine. So our center is 5, as you can see here. If we will leave the ball before it reach 45, if we will leave the ball before reach 145, it will go back to 140. Agar hum 145 se ball ko chhodte hain to wo मूव बैक होकर के 140 पे पहुंच जाती है. सिमिलरली इफ वी विल लीव द बॉल एट 145 टू राइट साइड, सो इट विल रोल डाउन टू 150. अगर हम बॉल को यहां से जो है राइट साइड पे हम यहाँ पे ड्रॉप करेंगे तो वो 150 की साइड पे ड्रॉप हो जाएगी. ओके, राउंडिंग ऑफ द नंबर टू द नियरेस्ट 10. सो एज यू कैन से क्लास, लेट्स राउंड ऑफ द नंबर फ्रॉम 32 to 36 nearest 10. Nearest 10, for here if you have 32 near to the 30, because the 2 is less than 5. Okay, so we will move from left down side. Fine. And 36 is nearest to the 40, because 36, it means 6 is greater than 5. Okay, so we will move from right side. Okay, this okay, so as you can say that 5 is greater than 2, it means 2 is less than 5. Fine. So, and 6 is greater than 5. One thing you need to understand it very clearly क्लास, 5 इज अवर सेंट्रलाइजेशन. 5 से कोई भी नंबर अगर कम होगा तो हम लेफ्ट साइड डाउन जाएंगे. अगर 5 से कोई भी नंबर ज्यादा होगा तो हम राइट साइड डाउन जाएंगे. ओके, लेफ्ट साइड डाउन मीन्स वी आर डिक्रीजिंग एंड राइट साइड डाउन मीन्स वी आर इंक्रीजिंग इन द काउंटिंग्स. ओके, अगर 5 से कम हुआ तो हम 1 की साइड पे जाएंगे, अगर अब 5 से ज्यादा हुआ तो हम 10 की साइड पे जाएंगे. फाइन, राउंड अप करने के लिए.
सो द 32 इज राउंडेड ऑफ द लोअर देन 30, ओके, एंड द 36 इज राउंडिंग ऑफ द अपर देन अपर टेंस देन 40, ओके. नंबर लाइक 5, 15, 25 लाइज एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन. कंस्ट्रक्ट्स टेंस आर ऑलवेज राउंडेड ऑफ टू द हायर टेंस, ओके. तो ये जो है, अगर ये 5 से ज्यादा जितने भी होंगे वो हमेशा हायर टेंस की तरफ बढ़ेंगे. फाइन. एज यू कैन सी हेयर रूल्स, दिस इज द रूल. व्हाइल द राउंडिंग अप टू द नियरेस्ट 10 ऑब्जर्व द डिजिट्स एट द वंस प्लेस. जब आप नियरेस्ट 10 की तरफ अपना राउंड अप करेंगे तो वंस के प्लेस पर जो डिजिट होगा आपने उसको ऑब्जर्व करना है, ओके. जब क्वेश्चन आएगा नियरेस्ट 10 लिखना है तो आप क्या करेंगे, जैसे सपोज दैट ये आपका नंबर है, ठीक है, वो आपसे बोले कि नियरेस्ट 10 लिखना है आपने, तो आप इस वाले नंबर को ऑब्जर्व करेंगे कि ये 5 से ज्यादा है या 5 से कम है. अगर ये 5 से कम है तो आप इसको लिख देंगे 40. सपोज दैट अगर यहाँ पे 9 है या फिर सपोज दैट यहाँ पे 8 है तो आप इसका राउंड अप लिख देंगे 50, ठीक है. अगर ये कम होगा तो 40 और अगर ये ज्यादा होगा तो 50. समझ में आ गया. इस तरह से आपको जो है नियरेस्ट 10 का राउंड अप करना है वंस वाले प्लेस को देख करके, ठीक है. राउंडिंग अप द नियरेस्ट 10, तो नियरेस्ट 10 के लिए मैंने आपको बता दिया है कि आप वंस वाले प्लेस को चेक करेंगे, ठीक है. अब ये दीजिए राउंडिंग अप राउंडिंग ऑफ अ नंबर टू द नियरेस्ट 100. 100 के नियरेस्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, आप चेक करेंगे लेट अस राउंड ऑफ द हेयर 135 इज क्लोजर टू 100 एंड 157 इज क्लोजर टू 200, ओके. इसमें देखिए डिजिट एट टेंस प्लेस विल बी द राउंड अप ऑफ डिजिट एट वंस प्लेस ऑब्जर्व फॉर राउंडिंग. जब हम इनमें आपको जो है जब 100 में आपको मतलब राउंडिंग अप निकालना है तो आप जो डिजिट टेंस के प्लेस पे होगा ना इसको चेक करेंगे, ठीक है. अगर ये 5 से ज्यादा होगा तो आप जो है वो आगे की तरफ बढ़ेंगे, अगर ये 5 से कम होगा तो पीछे की तरफ बढ़ेंगे, पीछे की तरफ जाएंगे, ठीक है. जैसे कि इसने बताया कि 35, इसमें 3 जो है वो 5 से कम है तो हम 100 राउंड अप लगाएंगे इसका, और 157 तो 5 तो सेंट्रलाइजेशन है तो इसके लिए हम आगे की तरफ जाएंगे, इसलिए इसका राउंड अप होगा 200. समझ में आ गया सबको. 3 जो है वो कम है इसलिए हमने 100 लिखा, 5 जो है वो सेंट्रलाइजेशन है इसलिए हम इंक्रीज करा हमने नंबर. जब हम राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट 10 देखते हैं तो हम वंस के प्लेस को चेक करते हैं, जब हम राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट 100 देखते हैं तो हम टेंस के प्लेस को चेक करते हैं. ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए. ये दो ही चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है. नियरेस्ट 10 के लिए आप वंस का प्लेस चेक करेंगे, नियरेस्ट 100 के लिए आप टेंस का प्लेस चेक करेंगे. और इसमें आपको कोई स्पेशल मेथड नहीं है, इसी के बेस पे मैम ने आपको एक्सरसाइज दी है, दैट इज योर रिवीजन 5. एज यू कैन से राउंडिंग अप ऑफ नंबर्स, राउंड अप ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स. आपको नियरेस्ट 10 आपको इनको राउंड अप करके लिखना है, तो वंस का प्लेस आप नंबर आपको चेक करना है और इनको राउंड करके लिखना है. राउंड अप द गिवन नंबर नियरेस्ट टू 100, आपने 100 को राउंड अप करना है इनको, तो आप टेंस के प्लेस को एक बार चेक करेंगे और इनको राउंड अप करके लिखेंगे, ठीक है. इतनी रिवीजन जो है वो आपको कल क्लियर करनी है. मैम आपको डे टू डे टॉपिक्स क्लियर करवा रही हैं अब रिवीजन में, तो आपको वो क्लियर करने हैं सो दैट यू विल बी एबल टू डू योर मैथ्स एग्जाम्स, ओके. अगर आपको राउंडिंग अप क्लियर हो गया है तो आपको इस वर्कशीट्स को अपने आप बिना देखे करना है, ठीक है. और मैम आपको स्नैपचैट पे ये वर्कशीट डाल देंगी और पीडीएफ भी भेज देंगी, तो आपको वीडियो देखनी है और इसको कंप्लीट करना है, ओके. दैट्स इट फॉर टुडे क्लास. थैंक यू.